ऑपरेटिंग सिस्टम के और फंक्शंस भी देखे थे। फंक्शंस में जैसे हमने बूटिंग, मेमोरी मैनेजमेंट और उसके अलावा जॉब स्केजुलिंग, डिवाइस कंट्रोलिंग, एक्सेसिंग द वेब और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज और ये सारी देखी थी, नेटवर्क को कंट्रोल करना और एडमिनिस्ट्रेटिंग सिक्योरिटी, और उसके बाद सबसे एंड पे था हमारे पास यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना। ये सब हमारे पास थे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस। आज हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरीज। अब कैटेगरीज हमारे पास इसकी कितनी है, तीन तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हमारे पास। स्टैंड अलोन है, बल्कि ये भी हमने ये टॉपिक भी देख लिया हुआ है, स्टैंड अलोन देख लिया था हमने, कैटेगरीज भी हमने कर ली थी ऑपरेटिंग सिस्टम की। उसके बाद हमने इसके अंदर बहुत डिटेल में इस टॉपिक को नहीं किया था। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन डिफरेंट तरीके से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो उसकी टाइप्स को डिफाइन करते हैं, जिनमें से बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूजर्स है, या बेस्ड ऑन इंटरफेस है, बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग पावर्स है। तो ये सारे लिहाज से देखेंगे कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी टाइप्स हैं और किस टाइप के कौन से इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम जिस तरीके से इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ यूजर्स, कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में के साथ कितने यूजर्स एट द सेम टाइम कनेक्ट हो सकते हैं, उस लिहाज से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को किन किन हिस्सों में किस तरह से किन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो मेजर हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और मल्टी यूजर होते हैं। सिंगल यूजर का मतलब है कि आपके पास एक कंप्यूटर के साथ एट द सेम टाइम एक ही यूजर कनेक्ट हो सकता है, एक से ज्यादा यूजर कनेक्ट नहीं हो सकते। अब आपने इसको फिजिकल एक्सेस के साथ मिक्स नहीं करना, फिजिकली आपको पता है कि एक कंप्यूटर के साथ एक ही इंसान एट द सेम टाइम काम कर सकता है, लेकिन एक से ज्यादा यूजर के कनेक्ट होने से क्या मुराद है कि आपका जो सिस्टम है, जैसे बैंकिंग सिस्टम है, वहां पर आपका एक सर्वर है जिसके साथ आप अपने क्लाइंट कंप्यूटर के जरिए कनेक्टेड हैं, लेकिन आप उस सर्वर कंप्यूटर की सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन एक से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं और वो एक ही सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, एक ही बैंक का वो सिस्टम है जिसको वो अक्रॉस द वर्ल्ड मल्टीपल यूजर जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, तो ये मुराद है मल्टी यूजर से। तो जो ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं उनके ऊपर अगर आप सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दें तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। तो सबसे पहले आपका ये कॉन्सेप्ट होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इनको यहाँ से कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें भी फर्दर हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहले इसका टेक्स्ट रीड कर लेते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज ओनली वन यूजर टू यूज द कंप्यूटर एट द सेम टाइम। अब अगर किसी कंप्यूटर के साथ आप रिमोटली चार लोग भी कनेक्ट होंगे तो एक वक्त में एक ही यूजर उसको यूज कर सकता है, बाकी तीन चार लोग अपने कंप्यूटर्स पे वेट ही करते रहेंगे कि उनको एक्सेस मिल जाए, लेकिन उनको एक्सेस नहीं मिलेगी क्योंकि आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर पे मेन पे वो सिंगल यूजर है। तो आपके पास अब देखते हैं सिंगल यूजर में फिर दो टाइप्स आती हैं कि सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग, एक ही यूजर कनेक्ट हो सकता है और वो एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो उसकी एग्जांपल है आपके पास डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर किसी ने देखा हो, बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूज नहीं हम करते ज्यादातर, आप अपने कंप्यूटर पर भी यूज करके देख सकते हैं। उसमें आपको कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से एक मिलेगा, इंटरफेस मिलेगा। कभी आपने ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन देखी होगी जिसके ऊपर आप कुछ कमांड्स जो हैं वो सिर्फ राइट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, कुछ भी प्रोग्राम जो है वो उसको यूज कर सके, इन अ वे कि आपके पास जो है आप एट अ टाइम एक ही कमांड टाइप करेंगे, तो जब आपके पास कोई इंटरफेस ही नहीं है जिसपे आप एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सकें तो आप इसमें सिंगल टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी लिमिटेशन होती है कि एट अ टाइम इस पर एक ही काम हो सकता है। दूसरा है सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग। अब ये सिंगल यूजर तो होता है लेकिन एट ए टाइम इस पे टास्क आप एक से ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में ले सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने विंडोज में हम अपना जो है लेक्चर वो भी कर रहे हैं और उसके अलावा जो है लेक्चर के अलावा हम और टास्क भी साथ साथ कंप्यूटर पे परफॉर्म कर सकते हैं।
उसके बाद आप देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप इसमें आ जाती है वो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर के नाम से ही जाहिर है कि इसमें एक से ज्यादा यूजर्स जो हैं वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एक से ज्यादा यूजर्स जो हैं वो उसकी मैंने जैसे आपको पहले एग्जांपल दी कि जैसे बैंक का अगर कोई कंप्यूटर है, सर्वर है, तो उसके साथ बहुत सारे यूजर अक्रॉस द वर्ल्ड, ऐसा नहीं है कि जो फिजिकली उसके करीब बैठे हैं वही कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं, बाकी जगह से दुनिया में डिफरेंट जगह पर भी जो यूजर्स हैं वो अपने अपने कंप्यूटर को यूज करते हुए इस रिमोट कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये फिजिकली एक जगह पर भी हो सकता है और हो सकता है कि इसके साथ बहुत सारे डम्ब टर्मिनल्स लगाए जाएं, यानी एक सीपीयू है उसके साथ ज्यादा से आप कह लें रफली स्पीकिंग कि ज्यादा से आप उसके साथ कीबोर्ड और मॉनिटर्स अटैच कर दें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो एक सीपीयू को यूज कर सकेंगे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकेंगे। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज मल्टीपल यूजर टू यूज द सेम कंप्यूटर एट अ टाइम, इसका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें आपके पास देखेंगे मल्टी यूजर कंप्यूटर एनवायरनमेंट में आपके पास जो एग्जांपल्स हैं यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज सर्वर, क्योंकि देखें ये मल्टी यूजर की जब बात हुई तो सर्वर का वर्ड साथ फिर आ जाता है कि आप क्योंकि फिजिकली आपके पास एक कंप्यूटर के साथ तो एक ही जो है वो यूजर होता है, तो इसलिए। इसके बाद हम देखते हैं मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में और हमारे पास मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट है, इट मैनेजेस द टास्क ऑफ ऑल द यूजर्स एफिशिएंटली, इट आल्सो मेक श्योर दैट द टास्क ऑफ वन यूजर डज नॉट अफेक्ट द टास्क ऑफ अदर यूजर, ऐसा नहीं होता कि मल्टीपल यूजर हैं तो उनके टास्क एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरमिंगल हो जाए, ऐसा नहीं है, हर किसी का अपना अपना टास्क परफॉर्म होता रहता है इंडिपेंडेंटली। That is, आपके पास दूसरी तरह से आप इसकी टाइप्स जो हैं प्रोसेसिंग स्पीड के लिहाज से या प्रोसेसिंग की नेचर के लिहाज से कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो इसमें आपके पास बैच प्रोसेसिंग है, यानी सारी की सारी जो टास्क हैं आप एक इनिशियली ही कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देते हैं और उसके बाद कंप्यूटर जो है उसको वन बाय वन उन टास्क को परफॉर्म कर लेता है। और बैच प्रोसेसिंग के अलावा आपके पास टाइम शेयरिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिहाज से तीन टाइप्स हैं आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है कि ये बेसिकली सबसे पुराना आप कह लें सिस्टम है। इस वक्त जब ये सिस्टम होता था तो इसमें हर यूजर जो है वो लाइव काम नहीं कर सकता था कंप्यूटर के साथ बैठ के, बल्कि उसने जो भी टास्क परफॉर्म करना होता था वो एक ऑपरेटर को या कंप्यूटर पे सबमिट करवा देता था। अब वो क्यू में लगते जाते थे काम और उसके बाद कंप्यूटर उन टास्क को परफॉर्म करना शुरू कर देता था वन बाय वन। वो पूरा पूरा एक जो टास्क की एक पूरी कह लें कि बंच है उसको एक बैच कहा जाता है, और अगर उस बैच में कहीं किसी प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो अमूमन कंप्यूटर वहां रुक भी जाते थे। तो कोशिश किया जाता था कि इसको सुपरवाइज्ड रखा जाए कि कंप्यूटर्स जो हैं वो अगर रुक गए हैं तो वो अगले टास्क पे शिफ्ट कर जाएं। इस अभी भी हम बैच प्रोसेसिंग यूज करते हैं, उसकी एग्जांपल आप कंप्यूटर के प्रिंटर से ले सकते हैं कि अगर एक प्रिंटर जो है एक जगह अटैच्ड है और उस जगह पर 10 या 20 एम्प्लॉयज हैं वो डिफरेंट अपने अपने कंप्यूटर से उस प्रिंटर एक ही प्रिंटर पे प्रिंट की कमांड भेज रहे हैं तो वो कमांड्स क्यू में लगती जाएंगी और वो एक बैच की फॉर्म में प्रिंटर को जॉब्स मिल गई। जैसे ही प्रिंटर स्विच ऑन हुआ जो पहली जॉब है उसने पहले प्रिंट की, दूसरी जॉब प्रिंट की, तीसरी एंड सो ऑन। अगर किसी एक जॉब के दौरान किसी बीच में प्रिंटर में पेपर खत्म हो जाता है तो डेफिनेटली वो वहां पर रुक जाएगा, प्रिंटर के पास अब ऑप्शन ही नहीं है, वो कैसे बाकी जॉब्स को कंप्लीट करेगा। तो जब तक आप उसमें मजीद पेपर्स डालेंगे तो उस वक्त फिर जो है वो पेपर उसका वो प्रिंटिंग अपनी बाकी जॉब्स को रेज्यूम करेगा। अब इसके टेक्स्ट में देख लेते हैं, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट अ सीरीज ऑफ सिमिलर जॉब्स विदाउट यूजर इंटरेक्शन। ठीक है, अब आपको समझ आ गई कि यूजर इंटरेक्शन यहाँ डायरेक्टली नहीं हो रहा, सिमिलर जॉब्स उसको बैच की सूरत में दे दी जाती हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस बैच प्रोसेसिंग टू प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स, ऑल द जॉब्स इन अ बैच आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर, वन बाय वन वो जॉब्स जो हैं वो एक एक ही नेचर की होती हैं
और ये फास्टर इस सेंस में है कि इसमें यूजर के इंटरेक्शन का वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो इंटरेक्टिव सिस्टम होते हैं हमारे पास जिसमें यूजर ने इनपुट देनी है, उसमें सिस्टम की परफॉर्मेंस इसलिए थोड़ी सी स्लो हो जाती है कि बाज़ वक़्त यूजर स्लो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं ऑनलाइन और वो आपसे डेटा जो है वो मांग रहा है, आपने फर्स्ट नेम लिखा, सेकंड नेम लिखते लिखते आप किसी और बात में लग गए, या आपने कंट्री सेलेक्ट करना है और आप किसी और आपको इंफॉर्मेशन तलाश करने चले गए, तो कंप्यूटर के रिसोर्सेज आपने ऑक्यूपाइड रखे हुए हैं। तो इस तरह इंटरेक्टिव सिस्टम में जो यूजर के इनपुट पे, यूजर के इनपुट पे और यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करने पे जो इंटरेक्टिव सिस्टम्स होते हैं वो थोड़े स्लो हो जाते हैं। बैच में उसने यूजर की उसके साथ लाइव कोई इंटरेक्शन नहीं, उसके पास टास्क आए, उसने मशीन की तरह उनको परफॉर्म करना शुरू किया और परफॉर्म करके कंप्लीट कर दिया। तो इससे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो बहुत क्विकली इजीली जो है वो आप कह सकते हैं कि मैनेज हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है। इसकी एक और एग्जांपल सैलरी स्लिप्स की प्रिंटिंग की आप ले सकते हैं। जैसे जो आपके पास बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज भी प्रिंट होती हैं, सपोज हम इस्लामाबाद में AGPR की एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अब जो एम्प्लॉयज़ का पे रोल का सिस्टम होता है वो सैलरी स्लिप्स फिर प्रिंटिंग के लिए जब जाती है तो वो बैच की फॉर्म में दिन रात प्रिंटर्स जो हैं वो उसको प्रिंट करते रहते हैं। उससे पहले जो उनकी कैलकुलेशंस होनी है, बाकी सारा टास्क परफॉर्म होना है, जो चेंजेस होनी है वो सारी हो चुकी होती हैं, और फिर फाइनली जो फाइनल सैलरी स्लिप्स होती हैं वो प्रिंटिंग के लिए भेज दी जाती हैं। तो अब उसमें देखें कि यूजर इंटरेक्शन की सिर्फ इतनी ही जरूरत है कि लेट्स से कि अगर एक पेजेस खत्म हो गए हैं प्रिंटिंग के लिए तो वो दोबारा नया रोल जो है उसको लोड कर दिया जाए। और अमूमन इस तरह के टास्क में कंटिन्यूस शीट्स लगाई जाती हैं जो पूरे के होते हैं कि अनलेस पूरा बॉक्स ही कम्प्लीट होगा, खत्म होगा, तो आपको नया रोल लगाने की जरूरत पेश आएगी। अब आ जाते हैं टाइम शेयरिंग पे। टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग में क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं और वो टाइम को शेयर करते हैं। बेसिकली हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे होते हैं ये किसी हद तक आपके पास ये टाइम शेयरिंग सिस्टम पे चल रहे होते हैं। आप अगर आपके कंप्यूटर पे आप 4-5 प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम ओपन करते हैं तो आप किसी एक प्रोग्राम को मिनिमाइज करें और दोबारा मैक्सिमाइज करें तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर कंप्यूटर थोड़ा स्लो है तो वो दोबारा कंप्यूटर आपका थोड़ा स्लो हो जाता है। बेसिकली उसने उस वक्त में एग्जीक्यूशन में एक ही प्रोग्राम रखना है जो आप करंटली यूज कर रहे हैं। जैसे ही आप स्विच करके किसी और प्रोग्राम में जाएंगे तो प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर सीपीयू जो है वो किसी और को एलोकेट हो जाएगा। सीपीयू एलोकेट होने का मतलब है एग्जीक्यूशन परफॉर्म होना। तो बेसिकली ये स्विचिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म कर रहा होता है, वो रेगुलर बेसिस पर टाइम स्लॉट जो है वो इक्वल टाइम स्लॉट असाइन करता है डिफरेंट प्रोसेसेस को। ये प्रोसेसेस जो हैं वो एक यूजर के भी हो सकते हैं और मल्टीपल यूजर्स के भी हो सकते हैं। इसी वजह से जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो इसी तरह काम करते हैं कि हर यूजर को ऐसे महसूस होता है कि सिर्फ इंडिविजुअली वही उस सिस्टम को यूज कर रहा होता है, लेकिन सिस्टम का रिस्पॉन्स थोड़ा सा उतना क्विक फास्ट नहीं होता जितना कि इंडिविजुअली अगर वो यूज कर रहा हो तो उतना रिस्पॉन्स लो फास्ट हो। तो उसमें जो है क्योंकि वो सीपीयू सब डिफरेंट जो उसके साथ यूजर्स मल्टीपल यूजर कनेक्टेड है वो सबको वन बाय वन टाइम जो है वो दे रहा है, सीपीयू बारी बारी सबको असाइन कर रहा है। अब इसमें टेक्स्ट को देख लेते हैं कि ये मल्टीपल प्रोसेसेस एट द सेम टाइम करता है, सीपीयू शेयर होता है अमंग डिफरेंट प्रोसेसेस, इट एलोकेट सर्टेन टाइम पीरियड फॉर ईच प्रोसेस, ये भी मैंने आपको बता दिया। अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड फॉर द एलोकेटेड टाइम पीरियड, द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस व्हेन द टाइम इज ओवर। तो वन बाय वन डिफरेंट प्रोसेसेस को जो है वो सीपीयू जो है वो अलॉट कर दिया जाता है, एलोकेट कर दिया जाता है। इसके लिए भी डिफरेंट आपके पास स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम कोर्स में हम डिटेल से पढ़ते हैं, जिसकी डिटेल में आपने नहीं जाना। तो अब इसमें क्या है कि जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो वेट करता रहता है, जो पहला प्रोसेस जो अगर कंप्लीट नहीं हुआ, आप ये समझिए कि एक क्यू में जैसे सारे प्रोसेसेस लगे हुए हैं, प्रोसेस नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ इस टेबल को देखें,
कि प्रोसेस वन जो है उसको 10 सेकंड चाहिए कंप्लीट होने के लिए, प्रोसेस टू को 5 चाहिए और प्रोसेस थ्री कंप्लीटेड है पहले साइकिल में। ये अगर आपके पास जो है प्रोसेस वन को 16 सेकंड चाहिए थे, प्रोसेस टू को आपके पास जो है वो 11 सेकंड चाहिए थे और प्रोसेस थ्री को 5 सेकंड, तो अगर ये हर किसी को 5-5 सेकंड जो है वो दे रहा है, फॉर सॉरी 6 सेकंड का साइकिल है इसका, ये सीपीयू साइकिल कहलाता है एग्जीक्यूशन साइकिल। तो पहले वाले को चाहिए ही कम थे, उसको 5 चाहिए थे तो पहला वाला ये सॉरी प्रोसेस 3 को चाहिए ही कम थे, तो पहले प्रोसेस को 16 थे, इसको 6 के लिए मिला, इसके 10 बाकी बच गए, 10 सेकंड का काम इसका अभी रहता है। फिर अगले प्रोसेस को मिल गया, उसके टोटल 11 चाहिए थे, उसका 6 सेकंड में जो काम हो सकता था हो गया, अब फिर उससे सीपीयू वापस ले लिया। तीसरे प्रोसेस को मिला, वो प्रोसेस था ही छोटा, 5 सेकंड में कंप्लीट हो गया। फिर दूसरी दफा अब किसकी बारी आएगी, पहले जो पहले वेटिंग में गया था, पहले वेटिंग में प्रोसेस वन गया था, प्रोसेस वन को 4 सेकंड चाहिए थे, वो 10 चाहिए थे, 10 में से 6 उसको मिल गए, लेकिन 4 के लिए फिर अभी उसको होल्ड कर लिया गया। फिर प्रोसेस 2 आया, उसको 5 सेकंड चाहिए थे, उसको 5 सेकंड में टास्क कंप्लीट हो गया। प्रोसेस 3 को अब सीपीयू एलोकेट नहीं होगा, वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो तीसरे साइकिल में प्रोसेस 1 को जो है वो सीपीयू एलोकेट हुआ और वो कंप्लीट हुआ। तो इस तरह आपके पास ये टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग होती है, जिसमें कि सीपीयू जो है वो शेयर हो रहा होता है मल्टीपल प्रोसेस के दरमियान, और ये प्रोसेस मैनेजमेंट एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का आप कह लें कॉन्सेप्ट है, कि ये प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ इनका इंटरेक्शन जो है, इनकी आपस में कुछ कम्युनिकेशन हो रही होती है, किस प्रोसेस को कब सीपीयू असाइन करना है, ये सब डिटेल्स होती हैं उसके अंदर। तो इस वजह से सीपीयू एफिशिएंटली काम करता रहता है, और यही बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की एक एफिशिएंसी भी यही होती है। तीसरी टाइप हमारे पास प्रोसेसिंग के लिहाज से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं कि जिसमें इंस्टेंट रिस्पांस चाहिए होता है, कंप्यूटर का इंस्टेंट रिस्पांस अगर नहीं मिलता तो उसके बाद अगर रिस्पांस आता है तो वो यूजलेस है। फॉर एग्जांपल स्मोक डिटेक्टर है, तो अगर उसने टाइमली स्मोक को डिटेक्ट करके कोई फायर अलार्म जनरेट कर दिया, कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन दे दी, फिर तो फायदा है, लेकिन अगर वो इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सका तो फिर उसके बाद अगर लेट्स से कि वो स्मोक के बाद वहां आग लग जाती है, इवेंट टक्कर हो जाता है, उसके बाद उस कंप्यूटर के रिस्पॉन्स करने की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसी तरीके से आगे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं आपके पास रियल टाइम सिस्टम्स की। तो इसमें आपके पास जो है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जो है वो रिस्पॉन्स देना जरूरी होता है। ये भी फर्दर दो तरह के आगे से डिवाइड होते हैं, जिसमें सॉफ्ट रियल टाइम होता है, हार्ड रियल टाइम होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में चूंकि नहीं गिवन है इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। सॉफ्ट रियल टाइम में बहुत ही एक क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, लेकिन हार्ड रियल टाइम में कुछ सेकेंड्स का डिले भी हो जाए तो वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम में आपका वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है, आपने इमीडिएटली जो है सॉरी हार्ड रियल टाइम लाइफ थ्रेटनिंग एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, कि क्विक रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी होता है, सॉफ्ट में थोड़ी रिलैक्सेशन हो सकती है। उसके बाद आपके पास है इसकी एग्जांपल्स गिवन है, तो इसमें इंडस्ट्रियल सिस्टम्स होते हैं। इंडस्ट्रियल सिस्टम्स कौन से हो सकते हैं, इसके नाम से आपकी समझ में तो शायद नहीं आएगा। एक सिंपल सी सिस्टम, लेट्स से कि आपने सिलाई के धागों की रील्स देखी होंगी, अब वो स्पूल्स होते हैं जिनके ऊपर ऑटोमेटिकली वो स्पिन कर रहे होते हैं, और एक खास जो है वो लेंथ के मुताबिक उसके ऊपर थ्रेड जो है वो स्पिन होगा और उसके बाद वो कट करके आगे चला जाएगा। इसी तरह आपने इंडस्ट्रियल सिस्टम में देखा है, आपने जो टेट्रा पैक्स होते हैं, पैकिंग की जो है एडवर्टाइजमेंट्स देखी होंगी कि वो टेट्रा पैक्स में किस तरह से मिल्क है या जूसेस हैं वो पैक होकर आगे आगे चलते जाते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल सिस्टम्स होते हैं जहां पर एक टाइमली रिस्पॉन्स जो है वो देना जरूरी होता है, कि जिस टाइम पे जितनी अमाउंट चाहिए उतनी उस प्रोडक्ट में फिल करके उसको नेक्स्ट स्टेज पर मूव करना जरूरी है। अदरवाइज इसके अंदर कहीं पर भी अगर रुकावट आएगी तो आप सोचें कि वो पूरे का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। एयरप्लेन गाइडेंस सिस्टम होता है कि हवाई जहाज को जो कंट्रोल करना है, ये जहाज जो है ये पैसेंजर प्लेन भी हो सकते हैं, ये फाइटर जेट भी हो सकते हैं, तो इनको भी रेडार सिस्टम के जरिए, डिफरेंट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के जरिए उनको बताया जाता है कि कौन से रूट्स हैं, कौन से रूट्स पे वो जो अवेलेबल है, जिन पे वो ट्रेवल कर सकते हैं, किन पे नहीं कर सकते। इसी तरह के ये ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम आपके पास आ गया, ये एयर ट्रैफिक भी हो सकती है, दूसरी ट्रैफिक भी हो सकती है,
उसके बाद मिसाइल लॉन्चिंग और एंटी मिसाइल सिस्टम। मिसाइल लॉन्चिंग में देखें कि अगर जरा सी भी आपके टारगेट से जो है वो चेंज हो जाए टाइम, या आपका टारगेट जो है वो मिस हो जाए, तो उस मिसाइल की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जहां पर आप उसको लॉन्च कर रहे हैं। इसी तरीके से टिकट रिजर्वेशन सिस्टम है, इसमें भी टाइम जो है वो मैटर करता है। किसी एक खास टाइम की फ्लाइट है, उसके टिकट उससे पहले ही मिलेंगे और उस टाइम पे उनका एग्जीक्यूट होना, कंप्लीट होना, उनकी पेमेंट होना और पैसेंजर का ट्रेवल करना वो ज़रूरी है। अदरवाइज वो फ्लाइट जो है या वो गाड़ी अगर चली जाती है तो उसके बाद उस टिकट की और उन सारे प्रोसेस की कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहती है। उसके बाद है, अब हम देखेंगे इंटरफेस के लिहाज से ऑपरेटिंग सिस्टम को हम किन किन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है तीन टाइप्स हैं। कमांड लाइन इंटरफेस है, मेन्यू ड्रिवन है और जीयूआई है। कमांड लाइन ये है जो मैंने आपको एमएस डॉस का जैसे बताया था, ये आपके पास एमएस डॉस का इस तरह का इंटरफेस होता है। ये जैसे सी कॉलन बैक स्लैश और ये साइन लिखा आ रहा है, ये बेसिकली इसका कमांड प्रॉम्प्ट है। तो इस यूजर इंटरफेस में आप एट ए टाइम, जाहिर है कमांड लाइन में एक ही यूजर जो है यूज कर रहा होता है। उसके अलावा ये डिफिकल्ट होता है, आपको 100% एग्जैक्ट सिंटेक्स जो है वो कमांड का याद रखना जरूरी है। अब अगर इन्होंने ये MD IT लिखा है तो ये IT के नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया गया है। अब ये MD में अगर आप स्पेस दे देंगे या इसके आगे कोई डॉट लगा देते हैं तो ये कमांड नहीं चलेगी। ये कमांड जिस तरीके से है, जो प्री डिफाइंड आपको सिंटेक्स है उसको याद रखना पड़ेगा। और ये बेसिकली कीबोर्ड की ऊपर जो है वो बेस कर रहा होता है। कीबोर्ड के जरिए आप इसे कमांड दे रहे हैं। माउस जो है वो अमूमन इन कमांड लाइन इंटरफेस में बहुत ज्यादा उसकी सिग्निफिकेंस नहीं होती, वो ज्यादा यूज नहीं हो रहा होता, कुछ में बिल्कुल ही यूज नहीं होता। तो कमांड लाइन इंटरफेस इज डिफिकल्ट बिकॉज द यूजर हैज टू रिमेंबर द कमांड। अगर कमांड में एरर आ गया तो आपका वो कमांड जो है वो, और आपको समझ भी नहीं आएगी, आपको फिर उस कमांड की हेल्प लेनी पड़ेगी। हेल्प लेने के लिए भी एक कमांड है। तो अगर आपको प्रॉपर इसके लिए स्किल्ड यूजर चाहिए जो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, आम यूजर के लिए ये बहुत डिफिकल्ट है। दूसरी टाइप है मेन्यू ड्रिवन। ये किसी तरह से कमांड लाइन का और GUI का कह लें कि एक इब्तदाई शक्ल, मतलब कॉम्बिनेशन है, और GUI की ये एक इब्तदाई शक्ल है। इसमें डिफरेंट मेन्यूज होते हैं और इस मेन्यू से जो है वो आप कुछ ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे आपके पास एडिटर आता है एक हर ऑपरेटिंग सिस्टम में, अमूमन विंडोज में भी होता है। आप कमांड लाइन पे जाके, यानी एमएस डॉस में जाके या CMD करके आप वहां पर एडिट की ऑप्शन लिखें तो ये एडिटर ओपन हो जाएगा। ये देखिए लिखा है कमांड प्रॉम्प्ट एडिट। तो यहाँ पर ये एक मेन्यू ड्रिवन सिस्टम है। इसके अंदर कुछ चीजें तो आप टेक्स्ट बेस्ड टाइप करेंगे, लेकिन जैसे डॉस में था कि आपको सेव करने के लिए भी सेव कमांड चाहिए, कोई आपको फाइल आपने सेव करनी है, कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो उसकी रेलिवेंट कमांड चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसको सेव वगैरह करना, एडिट, कॉपी, पेस्ट, इस तरह के जो टास्क है वो आप कमांड्स के, वो आप मेन्यू के जरिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपके पास, यानी जो बेसिक जो कुछ टास्क हैं वो तो आप कमांड्स के टेक्स्ट के जरिए भी यूज करेंगे, लेकिन कुछ टास्क ऐसे होंगे जो आप माउस के जरिए डिफरेंट मेन्यूज को चूज करेंगे। ये मेन्यू भी आप माउस से भी चूज कर सकते हैं और इसके लिए भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी होते हैं। आप Alt F करेंगे तो ये वाला फाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा और हर एक में देखें ये जो है N इसका वाइट कलर का है, इधर ओपन का O वाइट कलर का है, सेव का S वाइट कलर का है, सेव एज का जो है वो ये A जो है वो वाइट कलर का है। तो इट मीन्स कि आप Alt के साथ अगर ये वाले बटन प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड से भी आप इनको यूज कर सकते हैं इन कमांड्स को, अदरवाइज माउस के जरिए डायरेक्टली आप इनको क्लिक कर सकते हैं। थर्ड टाइप है आपके पास GUI। ये तो आपके लिए बहुत ही कॉमन है क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वो इंटरफेस है जो आप यूज करते हैं कॉमनली, चाहे आपका मोबाइल डिवाइस है या कंप्यूटर है। कंप्यूटर में इसकी एग्जाम्पल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। इसमें आपके पास क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं, इसमें टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं और माउस के जरिए भी आप फ्रीक्वेंटली यूजर इंटरफेस के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनको
आप चूज कर सकते हैं। इसमें मेन्यूज भी होते हैं, इसमें आइकॉन्स होते हैं, पॉइंटर होता है, और उसमें आप माउस के जरिए और माउस के जो कंट्रोलिंग बटन होते हैं लेफ्ट राइट बटन, उनके जरिए आप इनकी कोई जैसे फोल्डर हम क्रिएट करते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे और फोल्डर आ जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड से उसका नाम टाइप करेंगे तो फोल्डर क्रिएट हो गया। इस पर आपने माउस को भी यूज किया, माउस के बटन को भी यूज किया। इसी तरह से आपके पास और भी बहुत से टास्क हैं जो इसी तरह हम परफॉर्म करते हैं, तो इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं। जो इसमें टेक्स्ट गिवन है वो भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो इसकी एग्जांपल विंडोज है, लिनक्स है, मैक है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं जीयूआईज के? ग्राफिकल इंटरफेस होता है, इसलिए इनको हम कहते हैं ये यूजर फ्रेंडली होते हैं। इनको अंडरस्टैंड करना इजी होता है। कोई भी आम यूजर जो थोड़ी बहुत भी वो जुबान जानता है, जैसे हमारे पास इंग्लिश में इसके मेन्यूज आ रहे होते हैं, तो अगर कोई यूजर बेसिक सी इंफॉर्मेशन भी रखता है तो वो कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर सकता है। अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि कलरफुल होते हैं और सारी चीजें ग्राफिकल फॉर्म में होती हैं, तो इसलिए वो किसी हद तक अट्रैक्टिव भी होते हैं। उसके बाद इजी टू लर्न है, इजी टू यूज है, आराम से जीयूआई को आप देखें। ये मैक का एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो आपको इंटरफेस दिखाया गया है, तो इसमें देखें ये बहुत इजी टू यूज है। नाम हर आइकन के नीचे उसका नाम लिखा है, ये आपको बिल्कुल विंडोज से मिलता जुलता लग रहा होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो थोड़ी सी चेंजेस होंगी तो आप कोई भी जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। यहाँ टेबल में कमांड लाइन का और जीयूआई का कंपैरिजन बताया है, क्योंकि जो आपका तीसरी टाइप है मेन्यू ड्रिवन वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो ज्यादा जो है कॉमनली कंपैरिजन किया जाएगा तो इन्हीं दोनों का किया जाता है। अब आपने पढ़ लिया है कमांड लाइन डिफिकल्ट है, स्किल्ड यूजर चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए, और उसके अलावा लेकिन इसके अंदर कंट्रोल जो है वो काफी ज्यादा आपके पास जो है वो पावरफुल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास वायरस आ जाता है कंप्यूटर पे, तो विंडोज के जरिए उस वायरस को आप रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो फाइल ही आपके पास हिडन हो जाती है। लेकिन अगर आप स्किल्ड यूजर हैं, आप कमांड लाइन पे जाके उन फाइल्स को शो करवा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, तो आप उस वायरस को एंटीवायरस की हेल्प के बगैर भी रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए कि ये काफी हद तक ज्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, लेकिन ये कंट्रोल उसी के लिए जो है वो आप कह लें कि मुफीद है जिसको ये सारी कमांड्स का पता हो। इसलिए आप स्पीडी भी ज्यादा होता है क्योंकि ग्राफिक्स लोड होने में टाइम लगता है, ये मेमोरी में रैम में ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। कमांड लाइन जो है इसको कम मेमोरी चाहिए होती है, तो ये ज्यादा जो है इसलिए ये थोड़ा सा फास्ट भी हो सकता है। उसके अलावा जो है एन एडवांस्ड कमांड लाइन इंटरफेस यूजर कैन परफॉर्म समथिंग फास्टर देन द जीयूआई, ठीक है, जीयूआई की निस्बत ये फास्टर होगा। स्क्रिप्टिंग क्या है कि आपको जो है वो यूजर जो है वो आराम से इसमें स्क्रिप्ट्स जो है वो राइट कर सकता है। इसी तरह जीयूआई में आपके पास जो है सारी चीजें ग्राफिकल हैं, तो ज्यादातर ग्राफिकल फीचर इसमें आपको अवेलेबल हैं। अब हम अपना इस वीक का वीक नंबर 6 का लास्ट जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। इसको हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में काफी डिटेल से यूटिलिटी प्रोग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, एक दफा फिर रिवाइज कर लेते हैं कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की वो टाइप है जो कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो कंप्यूटर की मजीद जो वर्किंग है उसको एनहांस करती है। बेसिकली ये मेंटेनेंस पर्पस के लिए भी यूज होते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस को भी हैंडल करने में यूज होते हैं, और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइल्स वगैरह देखना, फोल्डर देखना, उसके अलावा अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के पार्टीशंस वगैरह को चेंज करना है, आपने उसको वायरसेस से महफूज करना है, आपने कुछ और एक्स्ट्रा उसके ऊपर फीचर्स अप्लाई करने हैं, तो उसके लिए आपको डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। अब देखते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर एज फॉलो। इसमें से मैंने आपको बताई थी, कुछ नंबरिंग बताई है कि जो आपके सिलेबस में है हम उन्हीं को स्टडी करेंगे, बाकी मैं आपको अलबत्ता एक लाइन में बताती जरूर जाऊंगी कि ये क्या चीजें हैं। तो पहला है आपके पास फाइल मैनेजर। अब देखें जो आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हैं, अगर आप देखें माय कंप्यूटर ओपन करने से आप कंप्यूटर की सारी फाइल्स ना देख सकते हो
तो आप कैसे जो है वो कंप्यूटर को जो है वो ऑपरेट कर सकेंगे। तो फाइल मैनेजर अलग, ये विंडोज एक्सप्लोरर में जो है इसकी फॉर्म में खुद भी मौजूद है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसके अलावा भी एडिशनली भी आप डिफरेंट किसी प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। तो फाइल मैनेजर का काम क्या है, फाइल्स की लिस्ट आपको दिखाएगा, आप फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको रीनेम कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आपने कलेक्ट करके फोल्डर्स बनाने हैं, आपने कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स डिलीट करनी है, मूव करनी है, उनको अरेंज करना है, और अरेंज करने के लिए आपके पास डिफरेंट जो है वो सॉर्टिंग मेथड हैं कि आप अल्फाबेटिकली अरेंज करना चाहते हैं, आप डेट के लिहाज से अरेंज करना चाहते हैं, या आपने जो जिन फाइलों पे अभी अभी काम किया है तो वो लास्ट मॉडिफाइड के लिहाज से कर लें तो वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। इस तरह आप डिफरेंट तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, और इसी तरह इन फाइल्स के आप शॉर्टकट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब फीचर्स जो है ये हमें एक फाइल मैनेजर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट यूटिलिटी प्रोग्राम हमारा है इमेज व्यूअर। इमेज व्यूअर इज यूज टू डिस्प्ले, कॉपी एंड प्रिंट द कॉन्टेंट्स ऑफ ग्राफिक्स। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जैसे कि आप जब इमेजेस वगैरह होती हैं तो जो इससे पुराने वर्जन थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे विंडोज वगैरह थे के, उसमें भी आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता था। हमें पिक्चर्स जो है अगर हमने कंप्यूटर पे कॉपी की है तो देखने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते थे जो हम इंस्टॉल करते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्रोग्राम्स अब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के का हिस्सा बना दिए गए हैं, जिसमें विंडोज फोटो गैलरी है या इमेज व्यूअर के नाम से भी विंडोज में आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसकी हेल्प से आप तस्वीरें जो है उनको देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है, मैं बता देती हूँ फिर भी, सर्च यूटिलिटी है कि अगर आपने पूरी डिस्क के ऊपर फाइल को सर्च करना है तो वैसे तो वो स्लो हो सकती है सर्च, लेकिन अगर कोई सर्च यूटिलिटी प्रोग्राम उस पर इंस्टॉल्ड है तो आपकी फाइलें इंडेक्स हो जाएंगी और सर्चिंग आसान हो जाएगी। आप जैसे अगर कंप्यूटर में आप शुरू में ही आप अपना जो कोई भी प्रोग्राम का नाम जो है आपके पास एक सर्च बार डिस्प्ले हो रही होती है विंडोज 10 में, आप जैसे किसी भी प्रोग्राम का आपने किसी फाइल का नाम लिखना ही स्टार्ट करते हैं तो वो शॉर्टकट्स में आपको नजर आ जाती है। तो ये देखें, ये सर्च यूटिलिटी इम्प्लीमेंटेड है जो इतना फास्ट सर्च करती है कि वो किसी भी फोल्डर में, सब फोल्डर में फाइल पड़ी है, आपने सर्च बार में लिखा और वो फौरन आपको डिस्प्ले हो गई। इसी तरह कोई प्रोग्राम रन करना वो भी आसान होता है यहाँ से। ड्राइव इमेजिंग, कि आपने किसी आपने डाटा का बैकअप रखना है तो आप ये ड्राइव इमेजिंग को के फीचर को यूज करें, जो काम आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे उसका बैकअप खुद खुद बनता चला जाएगा। डिस्क बर्निंग में आपने अगर सीडी डीवीडी के ऊपर डाटा स्टोर करना है तो उसका मेथड जो होता है उसको बर्निंग कहते हैं, तो डाटा जो है वो आप स्टोर करना है उसके लिए सीडी राइट करनी है तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा सकता है, ऑल्दो कि ये अब फीचर हमारे पास में ऑलरेडी डाल दिए गए हैं। फाइल कंप्रेसर जो है ये आपके सिलेबस में है, इसमें आपने देखना है कि फाइल कंप्रेसर क्या होता है। बेसिकली अगर आपकी फाइल जो है वो ज्यादा साइज ऑक्यूपाई कर रही है और आप चाहते हैं कि इन कंप्यूटर इस फाइल ये मेरे कंप्यूटर पे कम स्पेस लें तो आप उनको कंप्रेस्ड फॉर्म में रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने वो फाइल्स किसी को सेंड करनी है, अगर आपने ईमेल में सेंड करनी है 10 फाइल्स हैं तो वो 10 अटैचमेंट आपको बनानी पड़ेंगी, और अगर उनका साइज जो है वो ईमेल के साइज से एक्सीड कर जाता है तो आप वो सारी की सारी फाइल्स एक ईमेल में भेज भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप उसको कम कर लेते हैं इस सेंस में कि आप उनको सारी फाइल्स को एक फोल्डर में डालें, उस फोल्डर को कंप्रेस कर लें, आपको एक ही अटैचमेंट बनानी पड़ेगी और उसका साइज भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये फाइल कंप्रेसर यूटिलिटी है जो ये टास्क परफॉर्म कर सकती है। इसमें हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो विनजिप है, विनरार है, इनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये कंप्रेशन की यूटिलिटी हमारे पास बाय डिफॉल्ट पी ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 10 में मौजूद है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। नंबर 7 भी आपके सिलेबस में नहीं है, डायग्नोस्टिक यूटिलिटी है कि अगर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप उसको डायग्नोज कैसे करें, कोई हार्डवेयर का प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर का है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स मिसिंग है, तो ये डायग्नोस्टिक यूटिलिटी, या आपकी हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो गया तो ये उसके बैड सेक्टर्स को वो साइड पे करके आपको शो कर देगा कि आपकी हार्ड डिस्क में यहाँ यहाँ पर फिजिकली डैमेज आना शुरू हो गया है, तो अब आप अपना डाटा यहाँ से उठा लें। उसके अलावा पर्सनल कंप्यूटर की मेंटेनेंस यूटिलिटी हो सकती है, इसके लिए आपके पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं,
वो आपके पास डिस्क को चेक करते हैं, रिपेयर भी कर देते हैं, उसके अलावा भी डिफरेंट टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। आगे डिस्क स्कैनर भी आपके सिलेबस में नहीं है। डिस्क स्कैनर आपकी डिस्क को स्कैन करता है कि अगर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपको बता देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बैड सेक्टर्स हैं, कोई इस तरह का टास्क प्रॉब्लम है तो वो बता देगा। एंटीवायरस प्रोग्राम, ये डायरेक्टली तो आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन बहरहाल आपको इसका पता होना चाहिए कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वायरसेस को रिमूव करने के लिए उनको डिटेक्ट करता है और फिर उनको रिमूव करता है। और ये हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, इसको हम अलग से भी परचेज करते हैं अमूमन, और विंडोज़ के अंदर भी डिफेंडर के नाम से खुद भी मौजूद है। अगर आप चाहें तो हम इसको परचेज कर लेते हैं, और इसकी लाइसेंस होता है अमूमन 1 ईयर का हो सकता है, 3 ईयर्स का हो सकता है। जिस तरह से हम पेमेंट करेंगे उस लिहाज से उतनी ड्यूरेशन के लिए हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो काम करता रहेगा और हमारे कंप्यूटर को महफूज रखेगा। उसके बाद है आपके पास डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ये आपके सिलेबस में मौजूद है। डिस्क ये बेसिकली ऑर्गेनाइज करता है आपकी फाइल्स को डिस्क के ऊपर। इट मैनेजेस अनयूज्ड स्पेस ऑन द डिस्क सो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम मे यूज मोर द डाटा मोर क्विकली। अब इसकी एग्जांपल डिस्क डिफ्रेगमेंटर की इस तरह ले सकते हैं कि अगर आपके पास एक कबर्ड है और उसमें बहुत सारे क्लॉथ्स हैं, आप उनमें से रोजमर्रा डेली बेसिस पर जो है उसमें से चीजें निकालते जाते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड होती जाती है। आप जल्दी में कोई चीजें उठाई आपने और सेक्शन की चीजें जो है वो आपने किसी और सेक्शन में डाल दी, लेकिन जब आप उसको वीकेंड पे ऑर्गेनाइज करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं, आप चीजों को उनकी कैटेगरी के लिहाज से सॉर्ट आउट करके ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, तो आपके पास बहुत सारी स्पेस जो है वो फ्री बच जाती है जो कि पहले वेस्ट हुई होती है। इसी तरीके से ये डाटा भी जब हम क्विकली एक्सेस करते हैं, मोर फ्रीक्वेंटली स्टोर करते हैं, तो वो डाटा जो है जो भी उस वक्त अवेलेबल स्पेस होती है उस पर स्टोर होता जाता है। लेकिन जब डिफ्रेगमेंटेशन करते हैं तो आपके कंप्यूटर की स्पीड भी फास्ट हो जाती है, क्योंकि सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम एक एक जगह पर चले जाते हैं, यूजर का डाटा बिल्कुल उसके साथ नेक्स्ट कंजेक्टिव लोकेशन पे चला जाता है, और जो फ्री स्पेस जो पहले छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ी होती है वो सारी कंबाइन हो जाती है। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है। उसके बाद आपके पास नंबर 12 भी आपके सिलेबस में है, बैकअप एंड रिस्टोर। बैकअप और रिस्टोर जो है इसका से क्या मुराद है कि आपके जो डाटा है उसका बैकअप पड़ा रहता है एक फाइल की सूरत में। आप बना के खुद भी रख सकते हैं, कभी भी आप कर सकते हैं माय कंप्यूटर पे या अपने कंप्यूटर पे आप सी ड्राइव पे राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में जाएं तो आपको वहां बैकअप की ऑप्शन मिलेगी। बैकअप को के स्टेप्स को आप फॉलो करते जाएं तो उससे आपके वो पूछेगा किस किस फोल्डर का किसका बैकअप बनाना है। आप सिर्फ माई डॉक्यूमेंट का या डेस्कटॉप का या किसी ड्राइव में डाटा रखा है उसका बैकअप क्रिएट कर दें, तो वो बैकअप के नाम से एक फाइल आपकी पड़ी रहेगी जो भी उसका नाम रखेंगे। आप अगर आपके कंप्यूटर पे खुदा नखास्ता कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उस बैकअप को रीस्टोर कर सकते हैं कि जो आपका डाटा था पड़ा हुआ वो उस वक्त तक का डाटा होगा जिस वक्त तक आपने बैकअप क्रिएट किया है। फॉर एग्जांपल आप सैटरडे शाम को बैकअप क्रिएट करते हैं, संडे को कोई और काम करते हैं, मंडे को कोई और काम करते हैं और फिर आपको प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो संडे और मंडे का काम उस बैकअप का हिस्सा नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एटलीस्ट सैटरडे तक का जो आपका टास्क है वो काम है वो आप उस बैकअप फाइल से रिस्टोर की। इसी तरह आप सी ड्राइव पे जाएं, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, रिस्टोर की ऑप्शन भी आएगी। रिस्टोर पे जाएंगे तो वो कहेगा किस बैकअप से रिस्टोर करना है, वहां पर आप वो फाइल चूज करेंगे और आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है टास्क मैनेजर यूटिलिटी, ये भी सिलेबस में नहीं है। ये टास्क मैनेजर बेसिकली कंप्यूटर पे जितने भी प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं करंटली उन सब को शो कर रहा होता है, और इस यूटिलिटी को भी कभी कभी हम यूज इसलिए करते हैं कि अगर हमारा कंप्यूटर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्लो जा रहा है, कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन से प्रोग्राम्स हैं वो ज्यादा मेमोरी या सीपीयू कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर लेट्स से कि कोई ग्राफिक्स के प्रोग्राम्स हैं तो हम उनको जीपीयू पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट डिस्क क्लीनअप आपके सिलेबस में है। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी इज यूज टू सर्च एंड रिमूव अननेसेसरी फाइल्स। अननेसेसरी फाइल्स में इंक्लूड द फॉलोइंग। अब डिस्क क्लीनअप में कौन सी फाइल्स हैं जो अननेसेसरी हैं?
जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो उसकी बहुत सी रिलेटेड फाइल्स हमारे कंप्यूटर पे लोकली स्टोर हो जाती हैं, जिसमें कुकीज की फाइल्स हो सकती हैं, हमारी आईडी पासवर्ड जो हम सेव करते हैं उससे रिलेटेड फाइल्स होती हैं, हमारी सर्च हिस्ट्री होती है, इस तरह बहुत सी फाइल्स होती हैं जो टेम्परेरीली स्टोर होती हैं, जो हम डायरेक्टली यूज भी नहीं कर रहे होते। तो अगर हम इनको डिलीट कर दें तो हमारे कंप्यूटर पे काफी स्पेस फ्री हो सकती है। डाउनलोडेड प्रोग्राम्स हो सकते हैं जो कि अब हम फर्दर यूज नहीं करना चाह रहे, जो हमने इंस्टॉल कर लिए, अब हमें वो प्रोग्राम नहीं चाहिए, आप उनको डिलीट कर सकते हैं। डिलीटेड जो फाइल्स हैं जो आपके पास आपके ट्रैश में पड़ी होती हैं, रिसाइकल बिन में पड़ी होती हैं, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होती हैं, उनको परमानेंटली डिलीट कर देता है डिस्क क्लीनअप। और इस तरह अनप्रोग्राम्ड अनयूज्ड जो है वो प्रोग्राम फाइल्स भी हो सकती हैं, ऐसे प्रोग्राम फाइल्स हैं जिनको आपने कभी यूज ही नहीं किया तो ये उनको भी डिलीट कर देता है। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये भी आप जाके किसी भी ड्राइव पे सी पे डी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएं तो वहाँ डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन होता है, वो आप क्लिक करते हैं वो आपको शो करता है मैं ये फाइल्स डिलीट करने लगा हूँ, जिसमें वो टेम्प्रेरी इंटर फाइल्स का साइज बताता है, आपके पास रिसाइकल बिन या ट्रैश जो है उसके अंदर जितनी फाइलें पड़ी हैं उनका साइज बताता है, और अगर आप उसे कहते हैं कि डिलीट कर दो तो वो डिलीट कर देता है। उसके बाद अनइंस्टॉलर एक प्रोग्राम होता है जो कि प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल करता है। अनइंस्टॉल करने से क्या मुराद है कि आप किसी प्रोग्राम को जिसको इंस्टॉल किया जाता है उसे डिलीट कर दें तो वो अनइंस्टॉल नहीं होता, उसकी डिफरेंट जगह पे उसकी रजिस्ट्री में एंट्रीज पड़ी होती हैं। तो जो अनइंस्टॉलर होता है वो प्रॉपर अनइंस्टॉल करता है, जहां जहां उसकी रेलिवेंट फाइल्स होती हैं उन सबको जाके डिलीट करता है। टास्क स्केड्यूलर होता है, डिफरेंट टास्क को आप टाइमली स्केड्यूल कर सकते हैं। कैसे स्केड्यूल करने से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल हम अपनी कंप्यूटर लैब के सर्वर पे ये टास्क स्केड्यूलर लगा दें कि डेली लेट्स से कि 7:30 पे ये कंप्यूटर्स खुद ब खुद स्विच ऑन कर दे और लेट्स से कि 1:30 पे सबको शट डाउन कर दे, तो ये टास्क स्केड्यूलर की यूटिलिटी ये टास्क परफॉर्म कर देगी। ये डेली बेसिस पर हो सकता है, वीकली बेसिस पर हो सकता है, मंथली बेसिस पर हो सकता है, इवन उसके अंदर हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपने वर्किंग डे पर ये करना है और जो वीकेंड्स हैं वो डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह बहुत से टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट भी जो पार्ट है आपके सिलेबस में मौजूद है, ये टास्क स्केड्यूलर आपके सिलेबस में नहीं था। नेक्स्ट जो पर्सनल फायरवॉल, पर्सनल फायरवॉल क्या चीज है, ये इट इज सॉर्ट ऑफ एंटीवायरस, लेकिन ये बेसिकली आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी मौजूद होती है, इसको हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। आप जब भी कोई सिस्टम चीज इंस्टॉल करने लगते हैं तो आपके पास विंडोज पे एक वो परमिशन का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है कि ये कंप्यूटर जो है प्रोग्राम आप यूज करने इंस्टॉल करने लगे हैं ये आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है, क्या आप वाकई से इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो जब हम खुद कोई प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे होते हैं हम उसको अलाउ कर देते हैं, लेकिन अगर कोई प्रोग्राम खुद ब खुद नेटवर्क के जरिए कोई हैकर या कोई और हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने की कोशिश करे तो जैसे ये पर्सनल फायरवॉल उसको डिटेक्ट करता है, उसको देखता है, तो वो फौरन इंफॉर्म करता है, तो हमारे इल्म में ये बात आ जाती है कि आपके कंप्यूटर पे कोई इलीगल या कोई स्पायवेयर टाइप की कोई एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म हो रही है, कोई सस्पिशियस एक्ट हो रहा है, उसको आप रोक सकते हैं। लास्ट हमारे पास जो सिलेबस में है दैट इज स्पाईवेयर रिमूवर। ये इसी तरह की जो आपके पास मिस्टीरियस टास्क परफॉर्म करने वाले अगर कोई स्पाईवेयर हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके कंप्यूटर पे मौजूद है या नहीं मौजूद लेकिन आपके कंप्यूटर को कंटिन्यूसली स्पाई कर रहे हैं। स्पाई का मतलब क्या है, जासूसी करना, वो आपके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेके कहीं किसी को भेज रहे हैं या उनको कहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई इंफॉर्मेशन, वो आपके आईडी पासवर्ड्स हो सकते हैं, वो आपके कंप्यूटर का डाटा हो सकता है, वो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर से चुरा कर किसी और को प्रोवाइड कर रहे हैं जिसने वो स्पाईवेयर भेजा है, जिसने वो लॉन्च किया है आपके कंप्यूटर के लिए, उसने कहा है कि इस कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उनको रिमूव करने के लिए हमारे पास स्पाईवेयर रिमूवर होते हैं। वो अगर हमने अपने कंप्यूटर पे यूटिलिटी इंस्टॉल की होती है तो वो ऐसे प्रोग्राम्स को फौरन डिटेक्ट कर लेता है, और ये देखें कि वो कलेक्ट क्या करता है, ये स्पाईवेयर क्या कलेक्ट करते हैं, इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर ऑफन रिलेटेड टू वेब ब्राउजिंग हैबिट, के यूजर किस तरह की वेबसाइट्स विजिट कर रहा है, इसी तरीके से वो कंप्यूटर पे किस तरह का जो डाटा एंटर करता है, और बहुत सारी आपके पास इस तरह की चीजें हैं जो स्पाईवेयर जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और जो स्पाईवेयर रिमूवर है वो उसको रिमूव करता है। आपने स्पाईवेयर में और स्पाईवेयर रिमूवर में डिफरेंस याद रखना है कि स्पाईवेयर आपके पास जो है वो
वो है जो इन जासूसी कर रहा है, और स्पाईवेयर रिमूवर जो है वो उस जासूस को पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर है, वो उसको सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। लास्ट दो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, मैं आपको ये फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। एडवेयर रिमूवर भी उसी तरह, एडवेयर चूंकि ये बेसिकली सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं हमारे पास, जैसे वायरस है, एडवेयर है, स्पाईवेयर है, ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास आप कह लें कि सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। तो एडवेयर जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं जो वेब पे आती हैं, अचानक आपको एक मैसेज पॉप अप करता है, यू हैव 5 new messages, तो आप एकदम उस पर क्लिक करते हैं तो कोई प्रोग्राम या तो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाता है या आपकी कोई इंफॉर्मेशन जो है वो चली जाती है किसी और के पास। तो ये एडवेयर्स जो होते हैं इनको रिमूव करने के लिए भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, हम उनको इंस्टॉल करके इन एडवेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास फाइल कन्वर्जन यूटिलिटी होती है कि आप एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में फाइल को कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फाइल जो है एमएस वर्ड की है, आप उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसी तरीके से और भी आप उसको इमेज में, किसी इमेज को पीडीएफ में या पीडीएफ को इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये सब काम करने के लिए भी हमारे पास फाइल कन्वर्जन यूटिलिटीज मौजूद होती हैं। इसके साथ ही हमारा वीक 6 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वीक 7 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।